हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्ते भारत में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश के सियासी संकट की बात कर रहे हैं नमस्ते भारत में। हम सुबह से लगातार जिस पर एक एक अपडेट विश्वसनीय खबर सबसे पहले आपको दे रहा है आपका चैनल एबीपी न्यूज। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे भोपाल से जुड़ रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे, अपडेट लेंगे कि क्या कुछ हो रहा है, अभी का ताजा अपडेट क्या। उसके अलावा इला काजमी भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के दिल्ली वाले घर पर मौजूद है। तो चलिए देखिए, रिपोर्टर्स हमें दिखना शुरू हो गए हैं हमारे, इनसे बात कर लेते हैं। नीरज पांडे भोपाल से, क्या अपडेट है इस वक्त आपके पास? तो भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायक गुड़गांव पहुंच चुके हैं, वहां पे होटल में शिफ्ट भी हो गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने खेमे बचाने की तो कवायद खत्म भी कर दी, वहां पे उनको सेफ कर दिया। अब रही कांग्रेस की जो सूचना है कि जो उनके जो प्रभारी हैं वो लोग पहुंच चुके हैं, वो लगातार विधायकों से बात करें। और आज दोपहर में करीब 11 और 12 के बीच में यहां से एक चार्टर्ड प्लेन से उन सबको जयपुर ले जाया जाएगा, जहां पे उनको एक रिसोर्ट में रुकाया जाएगा। तो कांग्रेस ने भी अपनी खेमेबंदी शुरू कर दी है, वो भी अपने विधायकों को सेव करने में लगे हैं। चूंकि राजनीति है, राजनीति में एक एक विधायक का महत्व है। राज्यसभा चुनाव होना है, वोटिंग के समय पे सभी विधायक मौजूद रहे और अपने खेमे को बचा के रखा जाए। तो दोनों पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने तरीके से उन्होंने काम शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी भी अपने खेमे को बचा के रखना चाहती है, कांग्रेस भी जो बचे हुए विधायक हैं कम से कम वो बचे रहें, इसको लेकर कवायद शुरू करे। तो भोपाल की जो सरगर्मी है वो आज दोपहर तक भोपाल से शिफ्ट होके जयपुर और गुड़गांव में हो जाएगी। बिल्कुल नीरज, अब भोपाल में जो है वो राजनीतिक कर्फ्यू लगने जा रहा है, क्योंकि ना वहाँ बीजेपी के विधायक होंगे और शाम तक ना कांग्रेस के विधायक होंगे। आप सन्नाटे के बीच रिपोर्टिंग करेंगे, मजे करिएगा। हम इलाके पास चलते हैं, दिल्ली में आनंद लोक में जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के आवास है वहां पर है इला तो। जी बताएं नीरज, बताएं। अरे साहब कहाँ सन्नाटे में, अभी देखिए आपने लाइव लिया, मैं एयरपोर्ट पे खड़ा हूँ, थोड़ी देर में चेक इन करूंगा और सीधा दिल्ली पहुंचूंगा और फिर अगला लाइव आपको दिल्ली से दूंगा। चलिए बहुत शानदार, फिर आपको गुड़गांव से हम लाइव देखेंगे। फिर बीजेपी विधायक जहां रखे गए, इला के पास चलते हैं। इला ज्योतिरादित्य सिंधिया के आवास पर है, इला वहां पर क्या सरगर्मी है? ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर के बाहर क्या उनके समर्थक जुट रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ज्वाइन करने की आज खबर आ रही है, दोपहर तक ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश में जो गर्मा गर्मी चल रही है राजनीतिक, उसके बाद 106 विधायक कल रात को दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचे, जिसके बाद उनको एक होटल में ठहराया गया है। अभी मैं इस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर के बाहर मौजूद हूं, लेकिन अभी यहां पर सन्नाटा छाया हुआ है, कोई उनका यहाँ पर कोई नेता यहाँ पर नहीं दिखा। और मैं आपको ये बता दूं कि इस तरह की सूचना मिल रही है कि आज दोपहर तक शायद औपचारिक रूप से वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कैलाश विजयवर्गीय से कल मेरी बात हुई तो उनसे भी यही सवाल किया गया कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल होंगे और कब वो ऑफिशियली बीजेपी में शामिल होंगे, तो उनका जवाब यही था। उन्होंने सीधे तौर पर तो अपने पत्ते नहीं खोले, लेकिन उन्होंने ये जवाब जरूर दिया कि कुछ ही देर में आप सबके सामने पूरी तस्वीर बाहर आ जाएगी। जी चलिए आप देखिए, साथ बने रहिए तस्वीरों में। आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर ये जो घर है, ठीक है, चलिए ये तस्वीर इला लगातार जो आपको दिखा रही हैं, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया का दिल्ली आवास है, बेहद खूबसूरत उनका ये आवास। लेकिन फिलहाल देखिए कोई गहमा गहमी यहाँ पर नहीं है, शांति है यहाँ पर, और बहुत उम्मीद है कि दोपहर 12 बजे के आसपास यहाँ गहमा गहमी आप बढ़ती देखेंगे। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।